डैडा, अरे मैं अब्दुल से अभी भी कटती हूँ। आलिया कान पकड़ो। सॉरी सॉरी। प्रॉमिस करो कि आप दोनों कभी फाइट नहीं करोगे। प्रॉमिस। हम दोनों कभी फाइट नहीं करेंगे। प्रॉमिस भी कि आप दोनों मेरे साथ रहोगे। जल्दी से प्रॉमिस करो नहीं तो फिर से आलिया इकट्ठी हो जाएगी। पिंकी प्रॉमिस करो। पिंकी प्रॉमिस। हाय ओ बीबा देख नसीबा क्या क्या रंग दिखाए साथ ताज से उम्रों का ओ बिछड़ा पलों में जाए तू बेशक। अगर मांगे तूने भी पलिश में देना पड़ेगा कि वो अपने आलिया से इतनी देर तक छुप कैसे सकते हैं। माँ को भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए लेकिन उससे पहले आइसक्रीम पार्टी। आइसक्रीम पार्टी। आइसक्रीम। वाली मैम डैडा आप भी खाओ आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी। हाय आलिया। हाय। ये कौन है? तेरे मम्मी पापा। फुटबॉल खेलने। हाँ चलो। बच्चे क्यों क्यों डोनेट करोगे माँ का सामान? वो आएंगे। डैडा बड़ी माँ को बोलो ना कि वो माँ का सामान डोनेट ना करे। अगर माँ का सामान दे दोगे तो माँ क्या पहनेंगी? डैडा बड़ी मम्मी को रोको ना। तेरी माँ नहीं आएगी। छोड़ ये सब कुछ। नहीं मेरी माँ आएंगी। सब जो बोलते सब कभी बोलते माँ आएंगी। चेरी चाची बोलती है माँ नहीं आएंगी। मुझे माँ चाहिए। माँ को बुलाओ। आलिया बेटा मेरी बात सुन। क्या मेरी मैम आप ही मुझे झूठ बोलते हो। आप ही बोल रहे ना माँ आएंगी। माँ कब आएंगी और कहाँ है? बिग मम्मी माँ के सामान डोनेट करिए। क्यों सुनो एक मिनट मेरी बात सुनो। आप अच्छे बच्चे हो ना। अच्छे बच्चे ऐसी हरकत नहीं करते। और जब माँ आ जाएंगी तो उनके लिए नए कपड़े ले आएंगे इसलिए पुराने कपड़े हटा रहे हैं। No, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर आप नहीं चाहते तो ये कपड़े नहीं हटाएंगे। नहीं मैं जानती हूँ आप भी।
अब मैं किसी की बात नहीं मानूंगी। मुझे माँ चाहिए, माँ चाहिए, माँ चाहिए। माँ जाऊंगा प्लीज। इतने सारे आंसू डैडा के होते हुए, अब तो स्ट्रॉन्ग गर्ल हो ना। चलो एक काम करते हैं, माँ जब तक नहीं आती उनका सामान हम रख देते हैं, वरना माँ क्या सोचेंगी कि आलिया ने उनके सामान का ध्यान भी नहीं रखा, है ना। चलो मॉम आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे प्लीज। क्या कह रही है रूही, मैं आलिया को सब सच बता दूं? ऐसे काउंसलर मैं तुझे यही सजेस्ट करूंगी, वो ऑलरेडी ट्रॉमा में है, अगर हमने उसे अभी नहीं बताया ना तो वो आगे चलकर लाइफ में इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी यार। पर रूही, आलिया बहुत छोटी बच्ची है, कैसे बताऊं मैं उसे? हाँ, उसकी माँ वापस नहीं आने वाली। देख नहमत, मैं तुझे एक फैक्ट बताती हूँ, ये जो बढ़ते बच्चों की मेंटल ग्रोथ होती है ना, ये उन्हें बड़े से बड़े सच को भी एक्सेप्ट करने में मदद करती है। और हम मैच्योर लोग हर छोटी से छोटी बात को दिल पे लेके बैठ जाते हैं। और मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ यार, तेरा प्यार, तेरी कन्विक्शन आलिया को इस सच को एक्सेप्ट करने में बहुत हेल्प करेगा। और मैं तुझे एक बात और बताती हूँ, अगर उसने अभी ये सच एक्सेप्ट नहीं किया ना तो उसे आगे चलकर जिंदगी में बहुत मुश्किल होने वाली है। आई होप यू अंडरस्टैंड। बता दे उसे। ओके। तब तक आलिया का ख्याल रखिए। एकम, हम ये क्या कर रहे हैं? कब तक झूठ बोलते रहेंगे आलिया को? मतलब हालत देखो आलिया की, छोटी बच्ची है, कुछ कह नहीं सकती है, पर अब उससे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या चाहती हो तुम? जाकर उसे बता दे कि उसकी मां मर चुकी है, वो लौट कर नहीं आई, ये बताना उसे। हाँ एकम, यही चाहती हूँ मैं। मेरी अभी मेरी काउंसलर फ्रेंड के साथ बात हुई है और उसने मुझे यही बोला है कि अगर हम आलिया को अब सच नहीं बताएंगे तो बड़े होके उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आप करते हो बड़ी मम्मी, अब माँ का सामान हटाते हो ना। डैडा ने कहा ना माँ आ जाएगी, और नहीं आए तो डैडा से बात नहीं करूंगी मैं। जाओ बड़ी मम्मी, जाओ। अब जाओ मैं यहाँ से। ये सब ठीक नहीं हो रहा है कम, इससे पहले कि झूठ सच से भी बुरा हो जाए और आलिया कभी एक्सेप्ट। All I mean to say is, हमें आलिया को सच बता देना चाहिए। नहीं, आलिया को सच बताने की जरूरत नहीं है। आलिया मेरी बेटी है, मैं डिसाइड करूंगा कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। और इस वक्त मुझे लगता है कि उसके लिए सही है ये कि उसे सच नहीं बताना चाहिए। तुम नहीं समझ रहे। हाँ सर, जैन सर, राइट सर, राइट। हाँ सर, मैं 20 मिनट पहुंचूंगा। यस सर। जय, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, एक इमरजेंसी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसकी वजह से आलिया को कोई प्रॉब्लम हो, और अगर किसी ने ऐसा कुछ किया तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। आलिया जाओ, डैडा काम से बाहर जा रहे हैं, आप अपना ध्यान रखना और रोना बिल्कुल भी नहीं। अब माँ का सारा सामान अच्छे से सेट कर देना, डैडा आकर देखेंगे। ठीक है। और अगर कोई कुछ भी कहे तो बिल्कुल भी ध्यान मत देना। हक से लव यू। टाइगर बेटा, आप आलिया को जाके बता दो कि क्लाउन वाली मैम जा रही है। क्या, आप जा रहे हो? आलिया,
आंटी जी प्लीज, जैसा मैंने कहा है वैसे ही करना। नेहमत देख ले कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। जो भी हो भाभी, अब आलिया को सच बताना जरूरी है, पर हम ऐसे झूठ बोल के उसको कब तक खुशी देते रहेंगे? टूटेगी पर हम संभाल लेंगे। ठीक है आंटी जी, मैं चलती हूँ। ठीक है। आपने मुझे प्रॉमिस किया था आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, क्या आप जा क्यों रहे हो बताओ ना। आलिया, हाँ मैंने पिंकी प्रॉमिस किया था, पर मैंने आपसे एक झूठ भी बोला था, और अब मैं आपको सच बताना चाहती हूँ, आप मानोगे? मानूंगी, पर मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। ठीक है, फिर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, रियल स्टोरी। चलो मेरे साथ आओ। ये सब माँ की फेवरेट चीजें हैं, सब की सब। तो आप हम कुट बच्चा बनके मम्मा का ये सारा सामान उस गड्ढे में दबा देंगे, ठीक है? क्यों? इधर आओ। जब मैं आपकी तरह से छोटी सी थी ना, तब मेरे मम्मा पापा वो भी स्टार्स बन गए थे। स्टार्स? जब हम किसी से बहुत सारा प्यार करते हैं ना, बहुत सारा प्यार, और वो हमसे दूर चले जाते हैं, तब वो वहां ऊपर जाके स्टार बन जाते हैं, वहां से हमें देखते हैं। मां भी स्टार बन गई। मम्मा भी स्टार बन गई। I know, बच्चा बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा। मुझे भी बहुत दुख हुआ था जब मेरे मम्मा पापा आपने क्या किए था। मैंने? मैं आपकी तरह गुड बच्चा बनी और मैंने अपने मम्मा पापा का सारा सामान ऐसे ही गड्ढे में दबा दिया था। मैं भी करूं। अब मां कभी नहीं आएगी? नहीं, पर मां आपको वहां ऊपर से रोज देखेंगी और अपनी आलिया को ढेर सारी ब्लेसिंग्स भेजेगी। आपकी चांद आला।
अहमद ने ये सब करके बहुत सही किया। कम से कम अब मेरी बच्ची आगे तो बढ़ेगी। रब करे एकम भी ऐसे ही सोचता हो। हरलीन और एकम ने मिलकर पालाया आलिया को। रब दा शुक्र है डॉक्टर साहब, जिंदा है अभी भी, सांसें चल रही हैं इसकी। एक महीना हो गया, अभी भी बेहोश है। बच तो जाएगी ना? हाँ, लेकिन अब अगर होश नहीं आया तो फिर बचाना मुश्किल होगा। वैसे मिली कहाँ थी आपको? नदी के किनारे जंगल में मिली थी डॉक्टर साहब। हम गरीब लोग हैं, जितना हो सकता था कर दिया। चेतन कर पुत्र, बाबे दी मेहर होवे ते बढ़ जानी बच्ची। मैंने मना किया था कि आलिया, नेहमत ने आलिया को सब कुछ सच बता दिया है, जानते हुए कि उस पर एक्चुअली में आलिया की फिक्र किसी को नहीं है। यहाँ पर सबको सिर्फ उसे सच बताना है और कुछ नहीं। एकम, एक, एकम, सॉरी हरलीन, आलिया की भलाई के लिए मुझे उसे ये सच बताना पड़ा। मुझे माफ करना मेरी बहन। हरगिज नहीं। माफी के लायक तो तुम बिल्कुल नहीं, और हरलीन की किसी चीज को हाथ मत लगाना।